आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बड़वानी में व्रत सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर उस पर सूत लपेट कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन वर्तमान में वट वृक्षों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है, जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। हरित मालवा समिति मात्र शक्ति बड़वानी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आज नगर की महिलाओं को वट वृक्ष लगाने का संकल्प दिलाया गया है, ताकि समस्त नारी शक्ति के पर्यावरण के प्रति उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यह पौधे आगामी हरियाली अमावस्या पर धोबड़िया तालाब स्थित गोद ली गई भूमि पर नारी शक्ति लगाए, साथ ही महिलाएं एक या अधिक पौधे रोपकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लेगी। समिति की निशा गुप्ता ने बताया कि हरित मालवा समिति पर्यावरण को संरक्षित करने का हर संभव प्रयास करती है। पर्यावरण संरक्षण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज जिस पौधे को हम लगाते हैं, वहां भविष्य में वृक्ष बनता है, आने वाली पीढ़ी भी वट की पूजा कर सके। इसलिए हमें आज पौधे लगाने होंगे, नहीं तो पृथ्वी से वट के पेड़ विलुप्त हो जाएंगे। इस अवसर पर समिति की ममता तोमर, पूनम पंडित और रेखा पुरोहित उपस्थित थे। क्या नाम है आपका? निक्की सिसोदिया। आपको वट सावित्री की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी महिलाओं को। आज ये वृक्ष रोपण वट वृक्ष है, इसको हम धोबड़िया घाट पर लगाएंगे और इसका आगे आने वाले पीढ़ी के लिए पूजा के लिए तैयार करेंगे, ताकि ये लग सके और आगे चल के काम आए। और आज वट सावित्री है, आज पूनम है, इसलिए इसको सभी औरतें पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। अमजद मंसूरी की रिपोर्ट।